गाइस नेचर हो गया। ये ढाई दिन का झोपड़ा है, जो ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। ये आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की शॉप देखने को मिलेंगी यहाँ पर। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? एक नया दिन, एक नया सफर में, एक नई जगह पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हमें अजमेर सिटी राजस्थान में, जी हाँ गाइस, और आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हम लोग आज तारागढ़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ऊंचाई से, काफ़ी छोटे छोटे। और ये भी हम लोग ने पहले ही मंदिर चढ़ा है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस तरह की इमारत देख रहे हो, ये यहाँ का साइन है पहली मंजिल का। इस तरह से यहाँ पर तीन मंजिलें हैं तारागढ़ की, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। यहाँ पर आप लोगों को चढ़ने में रास्ते में कई जगह पर छोटी छोटी शॉप मिलेंगी, जहाँ पर आपको पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा खाने पीने के लिए। और एक अचंभे वाली बात यह है कि जैसे जैसे आप लोग चढ़ते जाओगे, चढ़ाई करते जाओगे, चीज़ें आपके लिए महंगी होती जाएंगी। जैसे कि पहली मंजिल तक के जो पानी की बोतल है वो 10 रुपये की है, उसके बाद जब दूसरी मंजिल के आप करीब आते हो तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि 15 से 20 रुपये हो जाता है। जैसे जैसे आप लोग चढ़ाई करते जाओगे, ऊपर चलते जाओगे, तो प्राइस जो है वो चीज़ों के बढ़ते जाएंगे। गाइस ये देखो, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होगे, ये ढाई दिन का झोपड़ा है, जो ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। अभी यहाँ पर भी आप लोगों को लेकर चलेंगे और इसकी एक वीडियो मैं अलग से डालूंगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पर काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा सा किला टाइप का ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और जो तारागढ़ की मंजिल है, आखिरी तीसरी मंजिल जो एंड होता है तारागढ़ का, वो आप टावर देख रहे हो वहाँ पर एंड होता है। तो अभी हम लोग ये पहले पहाड़ पर हैं, यहाँ से होते हुए जाना है इस दूसरे पहाड़ पर, उसके बाद जाना है वहाँ तीसरे पहाड़ पर, वहाँ मंजिल का एंड होगा। गाइज ये देखो, ये इस तरह के कुछ यहाँ पर जीने, यानी कि स्टेप्स बने हुए हैं तारागढ़ दरगाह पर चढ़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा थ्रिल, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हैं ये पहाड़। सो दोस्तों, तारागढ़ चढ़ने के बेसिकली तीन रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो वैन का, गाड़ी का, जीप का है, जहाँ से आपको करीब टाइम के हिसाब से, टाइम पर डिपेंड करता है, वैसे 120 रुपये लगभग किराया है एक सवारी का, जिसमें आपको वो एक तरफ ले जाकर छोड़ेंगे, और अगर आपको वापस भी आना तो 120 रुपये आपको और पे करने होंगे। और दो रास्ते जो हैं वो पैदल के हैं, एक रास्ता पक्का वाला है, जैसे आप लोग देख रहे हो, जैसे हम लोग ये चल रहे हैं, ये थोड़ा पक्का सा रास्ता है। और एक रास्ता और इसके अलावा, जहाँ पर जादू जयपाल वाला, वो आपने वाक्य सुना होगा, उसको जो पत्थर है वो दूसरे वाले रास्ते पर है, वो वाला रास्ता थोड़ा कच्चा और ख़तरनाक, थोड़ा फिसलौना भी है। तो एक रास्ता ये हो गया जिसे हम चढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा वाला, इसको मैं दिखा दूँगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। और एक दूसरा वाला रास्ता जो है कच्चा वाला है, और तीसरा रास्ता आपका हो गया कार वाला। गाइस तारागढ़ चढ़ने के लिए आप लोगों को जो रास्ता पकड़नी है, अगर ये पक्की वाली, तो इसके लिए आपको दरगाह शरीफ के जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस गेट है, वहाँ पर से आप राइट लेते हो। राइट पे जब आगे चलते हो ढाई दिन के झोपड़े वाले रास्ते के लिए, किसी से भी आप लोग पूछ सकते हो, उससे जब आगे चलते हो तो ढाई दिन के झोपड़ा आपके राइट साइड में पड़ता है, और लेफ्ट साइड में ही ये तारागढ़ की रास्ता चढ़ी हुई है, और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो पहली पड़ती है ये पक्की वाली रास्ता, उसके बाद गाड़ी वाली रास्ता, और वहीं पर पड़ती है आपकी दूसरी उतरने वाली कच्ची वाली रास्ता। पक्की वाली रास्ता की गाइस खासियत ये कि आप लोग देख रहे हो, इस तरह के लाल पत्थर पूरे रास्ता पर लगे हुए हैं, ये इसको ही पक्की वाली रास्ता बोलते हैं तारागढ़ चढ़ने के लिए। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आपका पैर स्लिप नहीं होगा, और ये थोड़ा सा चौड़ा भी है। वापसी वाला जो रास्ता एक और है यहाँ पर, जो मैंने दूसरा वाला आप लोगों को बताया है, वो इस तरह का नहीं है, उसमें सिर्फ पत्थर है जिसमें आप फिसल कर गिर भी सकते हो। मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है इस तारागढ़ के दरगाह को चढ़ने का, तो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग तारागढ़ चढ़ लो पहली बार, तो यहां पर जो है कार से चढ़ जाओ, क्योंकि थोड़े चढ़ाई में आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। और उतरने के लिए आप लोग पैदल के रास्ता को चूज़ कर सकते हो, वो भी ये वाली सही वाली, क्योंकि वो वाली जो रास्ता है वो थोड़ी सी रिस्की है, और चढ़ने में थोड़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, आपकी सांस भी फूल सकती है, थक सकते हो काफ़ी। तो मैं पर्सनली आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो कार वाली जो रास्ता है, कार को आप लोग बाइक कर लो, बहुत ज़्यादा उसका किराया नहीं है, 120 रुपये है, 120 से 150 के बीच ही पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। और वापसी में आप लोग यहाँ पर इसे उतरने का एक्सपीरियंस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपकी स्टेमिना अच्छा है, आपकी क्या बोलते हैं, आपको हौसला है, जज्बा है, तो आप पैदल चढ़ भी सकते हो, पैदल उतर भी सकते हो। वैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये तीसरी या चौथी बार है जब हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग पूरी तारागढ़ चढ़ने वाले नहीं, क्योंकि मैं तो 2-3 बार चढ़ ही चुका हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वीडियो अभी तक की नहीं बनाई थी, और आज इसकी वीडियो भी बना रहे हैं तारागढ़ चढ़ने की। तो अभी हम लोग पहली मंजिल को क्रॉस कर चुके हैं, और थोड़ा आगे तक के और चलते हैं।
इसके बाद यार आप लोगों को खुद जाना होगा। यहाँ पर देखो गाइस, आप ये हरा भरा नेचर, यहाँ पर ये आबादी, वो आना सागर लेक, और यहाँ पर ढाई दिन का झोपड़ा, और ये पहाड़ की ये तारागढ़ चढ़ने के रास्ता, और यहाँ पर ये कुछ पहाड़ कुछ इस तरह से, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर। ये आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की शॉप देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत शॉप है, तस्वी उर्मा दुर्रे अरब अजमेर शरीफ का, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। एक देखो दुकान यहाँ पर भी है, और ये हमारे मामा जी बेचारे बोतल लेते हुए आगे जा रहे हैं थकते हुए, और पहली मंजिल पर इनकी हिम्मत टूट गई है। गाइस देखो, एक बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है, प्लास्टिक्स हर जगह पर प्लास्टिक। तारागढ़ की चढ़ाई जो है वो हरे भरे रास्तों से, और एक साइड हरे भरे पेड़ों से और दूसरी साइड पहाड़ों से घिरी पड़ गई है। बहुत ही अच्छा फील आता है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है नेचर में, और बस थोड़ा सा दिल थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है इस तरह की जो प्लास्टिक रोड यहाँ पर किनारे किनारे पड़ी रहती है ना, उससे मेरा थोड़ा सा दिल ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो जाता है यार। देखो लोग ध्यान नहीं देते इस तरह से प्लास्टिक को, इधर भी कहीं भी उल्टा सीधा फेंक देते हैं, और हमारे नेचर को ज़्यादा इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा उससे ख़राब होता है, पॉल्यूशन भी होता है। हमारे जो मामू जी हैं उनका पहली मंजिल पर ही हिम्मत टूट गया ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते, और आज हमारा प्लान नहीं था, क्योंकि देखो आज गाइस टाइम कम है, आज हमारा दूसरा और समझ लो आखिरी दिन है यहाँ अजमेर शरीफ में, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। आज मुझे दो तीन चीज़ें कवर करनी है, आज तारागढ़ की चढ़ाई आप लोग कवर करा दी इस वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ढाई दिन का झोपड़ा कवर कराऊंगा, उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको आना सागर कवर कराता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस उतर रहे हैं। तो गाइस अजमेर शरीफ का तारागढ़ तीन पार्ट्स में, यानी कि तीन मंजिल में डिवाइड है, और इसी में वो पत्थर भी है, अगर आप लोगों ने वो वाक्य सुना होगा जादूगर जयपाल वाला, गरीब नवाज और जादूगर जयपाल वाला, जो कि उसने पत्थर फेंक मारा था और गरीब नवाज ने उसे हवा में ही अटका दिया था, वो उतरने वाली कच्ची वाली रास्ता में है, और लेकिन आज हम लोग उसको उस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम गाइस। मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तारागढ़ पर कुछ खास है नहीं, हाँ पर आप लोगों को वहाँ पर झाड़ू वाले बाबा ज़रूर मिल सकते हैं। नहीं देखो झाड़ू वाले बाबा तो खैर नहीं है, देखो मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, इसलिए मंजिल को नहीं हमेशा सफ़र को देखना चाहिए। और हाँ वहाँ पर कुछ दरगाह सी बनी हुई है, मुझे वहाँ की हिस्ट्री तो नहीं पता है कुछ ठीक से, लेकिन हाँ तारागढ़ पर कुछ दरगाह जैसे तो बना हुआ है, वहाँ पर ऊपर जाकर आप टॉप पर पहुँचोगे। गाइस जी जो रास्ता आप लोग देख रहे हो ये दरगाह साइड से राइट साइड से आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, और ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये तारागढ़ चढ़ने का सही वाला रास्ता है, यहाँ पर सीधा आप जाओगे तो आपको ढाई दिन का झोपड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, यहाँ पर जो गेट आप लोग देख रहे हो इस रास्ते की ये पहचान है, यहाँ पर से आप आओगे तो आपको ये यहाँ पर से जाने का रास्ता मिल जाएगा, आप लोग इसे पूछ भी सकते हो, और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप भी है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।